हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये कंदील मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कंदील बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पे इस तरह से एक रिंग बना कर लेना है। और यहाँ पे तीन चेन बना कर लेनी है, एक दो तीन। ये तीन चेन का हमारा पहला डबल क्रोशेट हुआ। अब यहाँ पे और एक चेन बना कर लेनी है। और ये जो हमने रिंग बनाया है इस रिंग में हमें एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से एक चेन लेनी है एक चेन लेके इसी रिंग में और एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से एक चेन लेके जैसे हमने यहाँ पे तीन डबल क्रोशेट बना कर लिए हैं ये तीन चेन वाला पकड़ के, उसी तरह यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशेट हमें बना कर लेने हैं। इस तरह से 12 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से यहाँ पे एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद ये वाला जो थ्रेड है इसे इस तरह से खींचना है और ये रिंग हमें क्लोज करके लेना है। ये वाला जो तीन नंबर का चेन है इस चेन में हमें इस तरह से यहाँ पे इसे जॉइंट करके लेना है। जॉइंट करने के बाद यहाँ पे एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। और ये दोनों थ्रेड हमें हाइड करके लेनी है इसके अंदर। इस तरह से रिंग बनाने के बाद किसी भी एक गैप में हमें ये दूसरा कलर का वूल बांध कर लेना है। ये जो गैप्स है किसी भी एक गैप में हमें इसे बांध कर लेना है इस तरह से। अब इस गैप में हमें तीन चेन बना कर लेनी है, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद ये वाला जो गैप है इसी गैप में हमें और दो डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। एक हुआ, उसी गैप में और एक डबल क्रोशेट। इस तरह से ये वाला जो गैप है इस गैप में हमने तीन डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब यहाँ पे हमें दो चेन बना कर लेनी है, एक दो। दो चेन बनाने के बाद इसके आगे वाला जो गैप है ये वाला, इस गैप में और तीन डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं।
एक दो तीन, तीन डबल क्रोशेट होने के बाद दो चेन लेनी है, एक दो, और ये जो इसके आगे वाला गैप है इस गैप में फिर से तीन डबल क्रोशेट बनाकर लेनी है, और इसी तरह से ये राउंड हमें ये लास्ट गैप तक कंप्लीट करके लेना है। इस तरह से यहाँ तक मैंने कंप्लीट करके लिया। तीन डबल क्रोशेट होने के बाद यहाँ पे मैंने दो चेन बना कर लिए हैं, अब हमें इसे ज्वाइंट करके लेना है। ज्वाइंट करने के लिए फिर से यहाँ पे ये जो तीन नंबर वाला जो चेन है ऊपर वाला, वहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करके लेना है। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। कट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हाइड करके लेना है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ये जो गैप्स है इस गैप में हमें ये थ्रेड को इस फूल को बांध कर लेना है। ऐसे से गार्ड बांधने के बाद ये जो गैप है इसी गैप में हमें तीन चेन बना कर लेनी है, एक दो तीन, और फिर से इसी गैप में और दो डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं, एक दो। इस तरह से इस गैप में मैंने तीन डबल क्रोशेट बना कर लिए तीन चेन वाला पकड़ के। यहाँ पे जो हमने क्रोशेटिंग किया है उसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा लूज ही रखना है। इस तरह से तीन डबल क्रोशेट लेने के बाद इसके आगे वाला जो गैप है इस गैप में हमें फिर से तीन डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशेट लेने के बाद यहाँ पे तीन चेन दो चेन लेनी है, एक दो, दो चेन लेने के बाद फिर से इसी गैप में और तीन डबल क्रोशेट हमें बनाकर लेने हैं, एक दो तीन। इस तरह से ये वाला जो गैप है यहाँ पे मैंने छह डबल क्रोशेट बना कर लिए, पहले तीन डबल क्रोशेट दो चेन और फिर से तीन डबल क्रोशेट। इस तरह से ये जो गैप है इस गैप में मैंने छह डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब इसके आगे वाला जो गैप है इस गैप में हमें फिर से तीन डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं, एक दो तीन। तीन डबल क्रोशेट होने के बाद इसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे हमें छह डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं, जैसे यहाँ पे बना कर लिए हैं। पहले तीन डबल क्रोशेट बना कर लेना है, एक दो तीन। तीन डबल क्रोशेट होने के बाद दो चेन लेनी है और फिर से तीन डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं, एक दो
इस तरह से ये जो हमने 6 डबल क्रोशेट बना कर लिए हैं दो जगह पे, इसी तरह ये टोटल 6 जगह पर हमें बना कर लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना कर लिया है, इसी तरह ये राउंड हमें इस गैप तक कंप्लीट करके लेना है। इस तरह से यहाँ तक मैंने कंप्लीट करके लिया। ये जो हमने डबल क्रोशेट लिए हैं, ये ज़्यादा टाइट नहीं लिए हैं, थोड़ा लूज ही रखा है। यहाँ पर अगर हम टाइट क्रोशेटिंग करेंगे तो ये इस तरह से शेप नहीं आ पाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा लूज ही डबल क्रोशेट लेना है। ज़्यादा टाइट डबल क्रोशेट यहाँ पे नहीं लेना है। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसे यहाँ पे जॉइंट करके लेना है। जॉइंट करने के बाद ये जो गैप है इस डबल क्रोशेट के बाद वाला, यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है और यहाँ पे दो चेन बना कर लेनी है। इसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। इसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे भी ये डबल क्रोशेट बना कर लेना है। इसी तरह आगे जो दो गैप्स हैं उस दोनों गैप में हमें एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। यहाँ पे भी हमें जो डबल क्रोशेट लिए हैं वो थोड़े लूज ही रखने हैं, टाइट डबल क्रोशेट यहाँ पे नहीं लेना है। इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये वाला जो गैप है दो चेन वाला, इस गैप में हमें दो डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। एक दो, दो डबल क्रोशेट लेने के बाद दो चेन लेनी है, एक और दो। दो चेन लेने के बाद फिर से इसी गैप में और दो डबल क्रोशेट हमें बना कर लेने हैं, एक दो। दो डबल क्रोशेट होने के बाद ये वाला जो गैप है इस गैप में हमें फिर से एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। इसी तरह हर एक जो गैप है, हर एक गैप में हमें एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है इस गैप तक। अब यहाँ पे ये जो गैप है इस गैप में हमें दो डबल क्रोशेट, दो चेन और फिर से दो डबल क्रोशेट इस तरह से बना कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे बना कर लिया है उसी तरह यहाँ पे भी हमें बना कर लेना है दो डबल क्रोशेट, दो चेन, एक दो और फिर से दो डबल क्रोशेट, एक अरे दो। और इसके बाद फिर से जो गैप्स हैं हर एक गैप में एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है इस गैप तक। और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बना कर लिया है दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट, उसी तरह बना कर लेना है। और इसी तरह से ये राउंड हमें यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है, ये वाला जो गैप है इस गैप तक।
इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें इसे जॉइंट करके देना है। जॉइंट करने के बाद एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद ये वाला जो गैप है, इस गैप में हमें इस ऊल को बांध कर लेना है। इस तरह उल को बांधने के बाद यहाँ पे हमें दो चेन बना कर लेनी है, एक दो। इसके बाद ये जो गैप है, इस डबल क्रोशेट के बाद वाला जो गैप है ये वाला, इस गैप में हमें एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। डबल क्रोशेट होने के बाद उसके आगे वाला जो गैप है ये वाला, इस गैप में और एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। इसी तरह हर एक गैप में हमें एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं इस गैप तक। इस तरह से ये जो लास्ट गैप था यहाँ तक मैंने डबल क्रोशेट बना कर लिया। अब यहाँ पे दो चेन बना कर लेनी है, इसे टर्न करके लेना है और ये वाला जो गैप है फर्स्ट, इस डबल क्रोशेट के बाद जो गैप है, इस गैप में हमें एक डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। इसके बाद ये वाला जो गैप है, इस गैप में एक डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। इसी तरह हर एक गैप में हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाकर लेना है इस गैप तक। यहाँ पे मैंने इस गैप तक ये डबल क्रोशेट बना कर लिया। इसके बाद यहाँ पे और एक डबल क्रोशेट लेना है, ये जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से और एक डबल क्रोशेट हमें बना कर लेना है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हाइड करके लेना है और जैसे हमने यहाँ पे ये दो राउंड बना कर लिए हैं उसी तरह इसके ठीक सामने यहाँ पे भी इसी तरह से दो राउंड हमें बना कर लेने हैं। इसके सामने वाले जो डबल क्रोशेट है उसका ये वाला जो गैप है, इस गैप में हमें ये वूल को बांध कर लेना है। ऊल को बांधने के बाद यहाँ पे दो चेन बना कर लेनी है, एक और दो। और इसके आगे जो गैप है ये वाला, इस डबल क्रोशेट के बाद वाला जो गैप है, इस गैप में हमें एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। इसी तरह हर एक गैप में यहाँ तक हमें एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। और जैसे हमने ये दो राउंड कंप्लीट किए हैं उसी तरह ये दोनों राउंड हमें यहाँ पर कंप्लीट करके लेने हैं। इस तरह यहाँ पे ये दोनों राउंड मैंने कंप्लीट करके लिए। अब फिर से यहाँ पे एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है।
इस तरह से यहाँ तक मैंने कंप्लीट करके लिया। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद हमें अब ये वाला जो पार्ट है इसे बनाकर लेना है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ऊल को कट करके लिया है एक ही साइज़ का। इसमें से एक लेके इसे इस तरह से फोल्ड करके लेना है। ये इसका राइट साइड है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट गैप है यहाँ पे, इस गैप में हमें इसे इस तरह से लेना है। और ये वाला जो थ्रेड है उसे इसमें से इस तरह से निकालना है। इस तरह से ये हमारा सामने से ऐसे दिखेगा और पीछे से इस तरह से आएगा। जैसे मैंने ये एक बनाकर लिया है उसी तरह ये हर एक गैप में इस गैप तक हमें बनाकर लेना है। मैंने यहाँ पे एक ही कलर का वूल लिया है, आप चाहे तो इसे दो कलर का वूल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ये एक लगा कर लिया है उसी तरह सारे यहाँ पे कंप्लीट करके लेने हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये सारे लगा कर लिया। इस तरह से ये हमारा कंदील कंप्लीट हुआ।